महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर गुमला एसपी ने रविवार को गुमला थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क का विधिवत फीता काटकर और हरी झंडी दिखलाकर शुभारंभ किया। सदर थाना के अलावा गुमला जिला के 7 पुलिस स्टेशन को एक एक स्कूटी और मोबाइल टैब दिया गया, जिसके माध्यम से महिला पुलिस के अधिकारी लगातार गश्ती करेंगे। सदर थाना के अलावा घाघरा, सिसई, बसिया, चैनपुर, पालकोट और महिला थाना गुमला को स्कूटी उपलब्ध कराया गया। मौके पर एसपी ने कहा कि निश्चित रूप से इस अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में काफी मदद मिलेगी। किसी तरह के महिला हिंसा मामलों की शिकायत दर्ज होने पर त्वरित कार्रवाई होगी। मौके पर गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, थाना प्रभारी विनोद कुमार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। गुमला जिला में 7 थानों में हेल्प डेस्क पहले से था, उसको सुदृढ़ीकरण के तहत अभी हम लोगों ने स्कूटी और डिजिटल के तहत ऐप प्रोवाइड किया गया है। और इन 7 थानों का मकसद रहेगा कि महिला जो क्राइम है उसको रोकथाम पर बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे, दूर दूर जाके अपनी जागरूकता बातें बताएंगे, साथ में पूरी टीम होगी, गांव स्तर पे का हमारा कार्यक्रम चलेगा। और हम लोग महिला के अगेंस्ट क्राइम, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे शारीरिक शोषण हो, इस तरह के क्राइम्स को रोकथाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी गई है। और इससे हमारा जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है उसमें हम लोग को बढ़िया मजबूती। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।